छात्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं मंत्र तंत्र इस पाठ का शेष भाग। इसको लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो देखिए, इस पाठ में हमने देखा था कि एक राज्य में एक युवक था, उसका नाम था कुमार, और वो कुमार अपने गुणों के कारण गांव में बहुत ही प्रसिद्ध था। वो उसे श्रेष्ठ मानते थे गांव के लोग। और देखिए, यह जो युवक है कुमार, वो अपने कर्मों के कारण उसने अपने पूरे गांव को बदल दिया था। उस गांव में 30 घर थे, 30 घरों के लोग उस गांव में रहते थे, और उनके लिए एक जगह पर आना भी मुश्किल था। ऐसी जगह नहीं थी जहां पर पूरा गांव इकट्ठा आ सके, पर कुमार के कारण पूरा गांव इकट्ठा आ गया। कैसे? उसने एक एक करके जगह साफ करते गया और उस जगह पर सब इकट्ठा आकर बैठ गए। वहां पर उन्होंने चबूतरा बनाया, बाद में वहां पर बातचीत करने लगे, आमोद प्रमोद करने लगे। वहां आकर वो गांव की समस्या छुड़ाने लगे। उसके बाद देखिए, उसी स्थान पर उन्होंने एक छोटा सा घर बनवाया। उसी घर में वह बैठने के लिए चटाई और अन्य सामग्री भी वहां पर इकट्ठा की थी। और देखिए, गांव के जितने भी समस्या हैं वो वहां जाकर बैठकर वो उसे छुड़ाते थे। तो ऐसे गांव को उसने बदला था। बाद में देखिए, अपने सब काम करके सुबह जल्दी उठकर अपने घर के सब काम करके लोग क्या करते थे, उसी स्थान पर जाते थे। वहां जाकर तय करते थे कि आज कौन सा काम करना है, और साथ आते वक्त औजार लेकर आते, कोई हथियार अपने घर का लेकर आते, और गांव का जो भी काम रहता वो पूरा करते थे। तो ये सब बदलाव एक कुमार के कारण हुआ था। कुमार एक ऐसा व्यक्ति था जो गांव को बदलने वाला था। इतना हमने देखा था, और इसके आगे हम अब देखने वाले हैं। खूब तड़के उठकर वे अपने अपने घर के कामकाज कर लेते, फिर अपना खुरपा हंसुआ कुदाल लेकर घर से बाहर निकलते, और चौराहे पर या और कहीं अगर काट पत्थर रहता तो उसे हटा देते। गाड़ी या आदमी के जाने में यदि किसी अड़चन की संभावना होती तो उसे काटकर फेंक देते या हटा देते। ऊंची नीची जगहों को समान कर देते, ऊंची नीची जगह होती तो उसको भी वो समान कर देते। जरूरत होने पर पुल बांध देते, तालाब खोद देते, और जिससे जो हो सकता था दान करता था। देखिए, जहाँ पर जरूरत है पुल बांधने की, वहाँ पर वो पुल बांध देते थे, तालाब खोदते थे, और जिससे जितना हो उतना वो दान करता था। अमीर लोग गरीबों को दान करता था, या फिर कोई काम करने के लिए अगर पैसे लगते हो तो अमीर लोग क्या करते थे, दान भी करते थे। कुमार के गुण से इस गांव के सभी लोग कर्मशील और सदाचारी हो गए थे। देखिए, पहले ही कुमार ने अपने कर्मों द्वारा गांव को सुधार लिया है। किस तरह से देखिए, वह गांव इकट्ठा भी नहीं आ सकता था, पर कुमार के कारण वह गांव इकट्ठा आ गया, और गांव के सभी काम वो मिलजुल कर करने लगे थे। अब देखते आगे। दिन बीतने लगे। इधर गांव के मुखिया ने सोचा कि बात क्या है, पहले तो गांव वाले बदमाशी करते थे, शराब पीते थे, और शराब के कारण कुछ आमदनी भी हो जाती थी। शराब पीकर वे अनशन काम करते थे, और उसके लिए जुर्माना करने से भी कुछ आमदनी हो जाती थी। पर इस कुमार ने गांव को ऐसा बनाया कि ये न शराब पीते हैं, न जीव हिंसा ही करते हैं। सभी भले मानस हो गए। अच्छा ठहरो, राजा के पास नालिश करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे भले मानस है। देखिए, नालिश का मतलब शिकायत। नालिश का मतलब क्या है? शिकायत। अब देखिए, गांव के सब भले मानस हो गए इस कुमार के कारण। कुमार ने सबको बदल दिया है अपने गुणों के कारण। देखिए, इस कुमार ने सभी गांव को भलाई का रास्ता दिखाया, और सभी भले मानस हो गए। अच्छा ठहरो, राजा के पास नालिश करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे भले मानस हैं। अब ये क्या करने वाला है मुखिया, जो इस गांव को चलाने वाला होता है मुखिया, यह क्या करने वाला है? अभी राजा के पास जाएगा और राजा से झूठी शिकायत करेगा कि गांव के लोग बहुत ही
बदल गए हैं, बुरे हो गए हैं, ऐसी शिकायत वो करने वाला है। देखते हैं क्या शिकायत की है राजा के पास जाकर। मुखिया राजा के पास जाकर बोला, महाराज गांव के सभी लोग चोर हो गए हैं। देखिए पहला जो गांव के लोग चोर हो गए हैं, इनका उपद्रव बहुत बढ़ गया है, कुछ उपाय न करने से बचना मुश्किल है। देखिए उपद्रव का अर्थ है दंगा, झगड़ा। गांव में दंगे बहुत बढ़ गए हैं, उपद्रव बढ़ गया है गांव में, गांव के लोग चोर हो गए हैं, इसलिए एक दूसरे से अभी झगड़ा करने लगे हैं। अगर इससे इस पर कोई उपाय नहीं किया, अगर इस पर कोई ध्यान नहीं दिया तो और ये बढ़ जाएगा, इसीलिए इसके ऊपर हमें ध्यान देना अवश्य है। राजा ने हुक्म दिया, जाओ चोरों को हाजिर करो। राजा ने हुक्म दिया अपने सिपाहियों को कि जाओ और चोरों को हाजिर करो। मुखिया ने सबको बांधकर हाजिर किया और राजा से कहा, महाराज हुजूर के हुक्म के मुताबिक गांव के लोग हाजिर हैं। देखिए सबको बंदी बनाया गया और राजा के सामने वहां पर लाया गया। राजा ने उनमें से किसी से न तो कुछ पूछा और न कहा। देखिए राजा ने मुखिया की बात मान ली कि मुखिया जो कह रहा है वो सही है और सभी को उसने बंधक बनाया और उनको एक शिक्षा भी सुनाई। उनको क्या शिक्षा सुनाई वो देखिए। राजा ने उनमें से किसी से न तो कुछ पूछा और न कहा, उसने एकाएक हुक्म दे दिया, जाओ इन्हें हाथी के पैर से कुचलकर मार डालो। देखिए उसने एकाएक हुक्म दे दिया, जाओ इन्हें हाथी के पैर से कुचलकर मार डालो। ये जो गांव के लोग हैं सभी, इनको हाथी के पैर के नीचे कुचलकर मार डालो। किसी से कुछ भी नहीं पूछा कि तुम्हारी ये गलती हो गई है तो इसके लिए आपका क्या कहना है, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा गांव वालों को और उनको ये सजा दे दी है। राजमहल के लंबे चौड़े आंगन में उन्हें बांधकर सुला दिया गया। एक बड़ा हाथी मंगवाया गया। इन आदमियों में कुमार भी था। देखिए पूरे गांव वालों को बंधक बनाकर वहां पर लिटा दिया है और उनके ऊपर अभी हाथी चढ़ने वाला है, हाथी उनको कुचलकर मार देने वाला है। इन आदमियों में कुमार भी था। उसने सबको पुकार कर कहा, देखो भाई यह ठीक है कि राजा अन्याय कर रहे हैं और यह भी सच है कि हाथी हम लोगों को अभी मार डालेगा, पर तुम लोग राजा पर क्रोध न करना। देखिए सबको समझा दिया है कुमार ने। कुमार का गुण ऐसा है कि वो जल्दी क्रोधित नहीं होता है, किसी पर भी क्रोधित नहीं होता है, उसमें गुस्सा ही नहीं है। वो अभी भी बोल रहा है कि तुम लोग राजा पर गुस्सा मत हो जाओ, अभी क्या करेगा ये हमें मार भी देगा, पर आप लोग राजा पर क्रोधित न हो, ऐसे वो सबको समझा रहा है। अब देखिए आगे, जैसे अपना शरीर हमें अच्छा लगता है और उससे हम जैसा प्रेम करते हैं, राजा के शरीर से भी हम लोगों का वैसा ही प्रेम होना चाहिए। उन्होंने ठीक वैसा ही किया। देखिए अब ये नाराज नहीं हुए, इस राजा पर क्रोधित नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि कुमार ने इन्हें समझा दिया है कि हम जिस तरह से अपने शरीर पर प्रेम करते हैं, उसी तरह हमें राजा के शरीर पर भी प्रेम करना चाहिए। हम क्रोध न करें तो बेहतर है हमारे लिए, ऐसे वो सबको समझा रहा है। क्योंकि देखो हम जब झगड़ा करने के लिए जाते हैं, सामने वाला भी झगड़ा करने के लिए आ रहा है, वो भी क्रोधित है, हम भी क्रोधित हैं, तो झगड़ा और बढ़ता है। इनमें से कोई एक अगर नम्र हो तो झगड़ा मिट जाता है। एक गालियां दे रहा है, दूसरा चुपचाप खड़ा है, तो गालियां देने वाला वहां से चला जाएगा, इससे झगड़ा और नहीं बढ़ेगा। समझ गए? तो इसी तरह ये भी कुमार है, सबको समझा रहा है कि आप क्रोधित न हो, जिस तरह से हम अपने शरीर पर प्रेम करते हैं, उसी तरह आप राजा के शरीर पर भी प्रेम करो। और ठीक वैसे ही सबने किया, क्योंकि सब अब इस कुमार की बातें मानते हैं। राजा के आदमियों ने उन्हें कुचलने के लिए हाथी छोड़ दिया, पर वह आगे नहीं बढ़ा, चिंगाड़कर पीछे लौट आया। देखिए उस राज्य में जो हाथी थे, उस राजा के हाथी थे, वो हाथी वहां पर आ गया, उन्हें कुचलने के लिए आ गया और चिंगाड़कर पीछे लौट आया, वो भी उनके ऊपर नहीं चढ़ा,
उनको मारने के लिए आगे नहीं गया, वो वहां पर उसने जोर से चिंगार लगाई और पीछे हटा भाग खड़ा हुआ। दूसरा हाथी मंगवाया गया, वह भी आगे न बढ़ा। फिर तीसरा, चौथा, इस तरह अनेक हाथी मंगवाए गए पर एक भी आगे नहीं बढ़ा। सभी पीछे लौटकर भाग गए। देखिए, हाथी ये जानवर है जो बोलते नहीं हैं, जिनको कुछ समझ में नहीं आता है, वो जानवर भी किसी लोगों को नहीं मारा, उन्होंने भी लोगों को नहीं मारा, उन्होंने भी यह दुष्कर्म नहीं किया है, वो भी ऐसे ही लौटकर चले गए। देखिए, वो समझ गए कि ये अच्छे लोग हैं, इनको मारना गलत है, और वो भाग जाते थे। कोई भी हाथी उनके ऊपर नहीं चढ़ा, वो सब भाग गए उनके अच्छे कर्मों के कारण। सभी पीछे लौटकर भाग गए। राजा ने कहा, जान पड़ता है इनके हाथ में कोई दवा है। राजा को लगा कि इनके हाथ में कोई दवा है, इस दवा के कारण सभी हाथी भाग जाते हैं। अच्छा, इनके हाथ खोलकर देखो तो। राजा के आदमियों ने खूब खोजा मगर कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने कहा, महाराज, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। देखिए, राजा ने यह पता करने की कोशिश की कि इनके हाथों में कोई दवा है और वो दवा के कारण हाथी भाग जाते हैं, इसलिए सिपाहियों को हाथ खोलने के लिए कहा, 30 लोगों के हाथ खोलने के लिए कहा, पर उनके हाथों में कुछ भी नहीं मिला है। राजा ने कहा, जान पड़ता है ये कुछ मंत्र तंत्र जानते हो। ये जो लोग हैं वो क्या जानते हो? मंत्र तंत्र जानते हैं। उन्होंने खुद ही पूछा, क्यों तुम लोग क्या मंत्र तंत्र जानते हो? उन्होंने कहा, महाराज, हम लोग कोई मंत्र तंत्र नहीं जानते। हम 300 आदमी जीव हिंसा नहीं करते, दूसरे की चीज नहीं लेते, झूठ नहीं बोलते और शराब भी नहीं पीते। सबको मित्र समझते हैं। जो हो सकता है सो दान करते हैं। ऊंची नीची जमीन को समान कर देते हैं। लोगों के लिए तालाब खोद देते हैं और घर बना देते हैं। महाराज, अगर हम लोग कोई मंत्र जानते हैं तो बस यही, और कोई मंत्र नहीं जानते। देखिए, हमें सच्चाई का मंत्र पता है, हमें अच्छे कर्मों का मंत्र पता है, हम कोई बुरा कर्म नहीं करते और सबके लिए हम दान करते हैं। जो कुछ हमसे होता है उतना हम दान करते हैं, हम अच्छे कर्म करते हैं, यही हमारा मंत्र है। इसके अलावा कोई और मंत्र हमारे पास नहीं है। और ये सभी उन हाथियों ने पहचाना था और वो भाग गए थे। राजा उनकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने दुष्ट मुखिया की जमीन जायदाद जब्त कर ली और लोगों को उनका गांव और बड़ा हाथी दे दिया। देखिए, यहाँ पर राजा को पता चला कि पूरा गांव सच बोल रहा है और गांव सच्चा है, पर ये मुखिया जो है वो गांव को बिगाड़ रहा है, गांव की झूठी शिकायत कर रहा है। इस बात का पता चलते ही दुष्ट मुखिया की जमीन जायदाद जब्त कर ली गई और लोगों को उनका गांव और बड़ा हाथी दे दिया। ये सभी कुमार के अच्छे कर्मों के कारण। अगर कुमार भी उस गांव की तरह होता तो इस गांव में कोई बदल नहीं होता, और मुखिया जैसे जो लोग हैं वो इस गांव को और बर्बाद करते, कभी गांव अपना जीवन सुखद नहीं जी पाते। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? अच्छे कर्मों को अपनाना चाहिए। इस कुमार की तरह हमें भी उन गुणों का पालन करना चाहिए जो हमारे जीवन के लिए फायदेमंद हो। तो यहाँ इस मंत्र तंत्र इस पाठ को हमने सीखा। तो यहाँ पर मंत्र तंत्र इस पाठ का अध्ययन हमने किया है, तो आपको इस पाठ को फिर से पढ़ना है और इसके शब्दार्थ जो है वो आपको आपके नोटबुक में लिखना है और उन्हें पढ़ना है। धन्यवाद।